क्वेश्चन है, आपको इसमें तीन ब्लॉक्स गिवन है और दो पुलीज हैं और यहाँ फ्रिक्शन भी गिवन है, तो आपको एक्सेलरेशन बतानी है क्या होगी 500 जी की। नहीं फ्रिक्शन नहीं गिवन, सॉरी फ्रिक्शन गिवन है, म्यू नहीं गिवन, तो फ्रिक्शन नहीं लेनी, स्मूथ है। तो रूल नंबर वन, इसके अंदर इसका जो वेट है ये कितना है 500 जी, इसका कितना है 50 जी। ये एक रस्सी है टेंशन TNT TNT, ये दूसरी रस्सी है टेंशन T-T-T-T-T, यहां और यहां टेंशन सेम होगी क्योंकि एक रस्सी का पीस यहां जा रहा है और पुली का मास नहीं है। डायग्राम क्लियर है? फिर इंक्लाइन प्लेन भी है, इंक्लाइन प्लेन में क्या बनेगा, ये MG बनेगा, 100 जी, 100 जी cos थीटा, 100 जी sin थीटा, तो एक फोर्स ये भी बनेगी। हम ये मान लेते हैं ये नीचे आ रहा है तो ये इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी नीचे आने की, 500 जी माइनस टी इज 500 ए। ये ऊपर जा रहा है तो टी डैश माइनस 50 जी इज 50 into A, सेकेंड इक्वेशन क्लियर है। ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इधर राइट की फोर्स क्या है टी, और लेफ्ट की क्या है टी डैश भी है और ये भी है, तो क्या बनेगा टी माइनस टी डैश प्लस 100 जी साइन 30 इज इक्वल टू 100 into A, थर्ड इक्वेशन। इन तीनों को सॉल्व करके जो निकालना है वो निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, ये तीनों को सॉल्व करके आंसर आएगा, ठीक है। फ्रिक्शन चाहिए ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, कॉस का क्या करोगे? जब फ्रिक्शन होती है तो म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन में चाहिए होता है, जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो इंक्लाइन प्लेन के अलावा साइन काम आता है। क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, टू हो गया ठीक है, कह रहे हो तो हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री में आंसर गलत है, 13 न्यूटन कर लेना, मैंने गलत किया हुआ है 5, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स हमने किया था ये क्लास में, रिजल्टेंट होती है 12 और 5 का 13 किया था, शीट की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर फोर भी हमने किया था, बेल्ट वाली प्रॉब्लम है, वो बताया था ना लिफ्ट, वो एस्केलेटर के ऊपर खड़े जाते हो तो यू से वी वेलोसिटी, फ्रिक्शन एक्सेलरेशन फोर्स भी होती है और रिटार्डेशन भी हो सकती है, ये सेम है राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट हो गया, 5 हो गया, 5 हुआ, डाउट है। हमने लास्ट टाइम क्लास में दो क्वेश्चन किए थे, मैंने कहा था डायग्राम बनाओ और सॉल्व करो, एफ निकाल लो, बस वो एफ था उसमें वैल्यूज नहीं थी, इसमें वैल्यूज हैं। सेम क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि ब्लॉक जिसका मास 1 kg है इज रेस्ट पे है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.5, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे फोर्स है, ताकि बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग, जस्ट स्टार्ट का मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, जस्ट स्टार्ट ये लिखवाया था, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या किया था एफ के कॉम्पोनेंट ड्रॉ करो, एफ कॉस एफ साइन, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, आर प्लस एफ साइन 60 इज इक्वल टू MG, तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी MG माइनस एफ साइन 60 राइट। फिर आगे की फोर्स क्या है एफ कॉस 60, पीछे की फोर्स क्या है फ्रिक्शन, अगर ये एक्सेलरेटेड सिस्टम होता, एक्सेलरेशन होती तो ये बड़ी फोर्स ये छोटी फोर्स, पर वो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये और ये फोर्स बराबर, तो एफ कॉस 60 इज इक्वल टू एफ। तो पहले आपने क्या निकाला, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फिर एफ कॉस 60 म्यू आर, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को यहां से यहां पुट किया, सॉल्व करके फोर्स आ जाएगी आंसर राइट ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 6, कितने लोगों को डाउट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट और मेंस में कम से कम 2-3 बार तो आया ही हुआ है, ज्यादा ही ना आया हो, सेम क्वेश्चन अलग अलग वैल्यूज के साथ, तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो पक्का डिस्कस करना ही करना है। ऑनलाइन हुआ किसी का ये? यस सर। ओके देखो इस क्वेश्चन के अंदर इसमें
आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, एक वॉल है, ठीक है, आप इसे नोट भी कर लेना, कहीं फॉर्मूला बुक में नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। एक वॉल है और एक बॉल आ रही है कुछ ऐसे, ये बॉल आ रही है विद अ मोमेंटम ऑफ m इंटू वी, मतलब v वेलोसिटी से आ रही है और m मास है। वैसे आपको न्यूमेरिकल में m भी पता है और v भी पता है। क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि इसने एंगल वर्टिकल के साथ बनाया थीटा, थीटा पे इसने हिट किया, राइट, बॉल ने हिट किया और बॉल वापस जा रही है विथ सेम वेलोसिटी यानी कि सेम मोमेंटम एम वी, एम वी से आया एम वी से गया, अगेन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद वर्टिकल, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब आगे इस क्वेश्चन के अंदर मोमेंटम जो है वो एम वी और एम वी एक्स वाई प्लेन में है, तो एक काम करते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोई भी एक्स वाई प्लेन में वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट्स बनते हैं एक्स में भी और वाई में भी। चलो कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। कंपोनेंट्स में ये एम वी इनिशियल मोमेंटम वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन चाहो तो यहां तक ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर यहां जा रहा है, लंबा कर लो वेक्टर। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, इनिशियल मोमेंटम वेक्टर है एम वी, ठीक। इस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। एक्स में इसमें वैल्यू क्या होगी, एम वी कॉस थीटा, और इसमें वैल्यू क्या होगी, एम वी साइन थीटा, एम वी कॉस थीटा, एम वी साइन थीटा, राइट, इनिशियल मोमेंटम वेक्टर है। अब फाइनल मोमेंटम वेक्टर, फाइनल मोमेंटम वेक्टर ये है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ जिसकी वैल्यू क्या होगी, एम वी कॉस थीटा, एम वी कॉस थीटा, और एक यहां पे होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, एम वी साइन थीटा, कोई डाउट इसमें? तो मैंने इनिशियल मोमेंटम वेक्टर के कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए, फाइनल के भी कर लिए। क्वेश्चन में गिवन होगा कि जब ये बॉल इसको हिट करके जा रही है तो उसने डेल्टा टी टाइम लिया, जैसे 0.1 सेकंड लिया कि इस दीवार के कांटेक्ट में रही वो, ये गिवन होगा आपको 0.1 सेकंड या कुछ भी डेल्टा टी गिवन होगा। आपको इसमें क्वेश्चन आएगा फाइंड एवरेज फोर्स। अब जो एवरेज फोर्स होती है ना वो होती है टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम, ये होती है, राइट। इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना, इसके अंदर ये वॉल थी, मैंने मोमेंटम को क्या किया, दो हिस्सों में, ये इनिशियल मोमेंटम का एक हिस्सा यहां पर था और एक यहां पर था। यहां पर जो वैल्यू थी वो चेक करना क्या थी, एम वी साइन थीटा, और यहां पर क्या है, एम वी कॉस थीटा। सिमिलरली जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम उसके दो कॉम्पोनेंट थे, एक इधर और एक इधर, यहां की वैल्यू क्या थी, एम वी कॉस थीटा, और यहां पे वैल्यू क्या है, एम वी साइन थीटा। तो मैंने वो डायग्राम हटा के ये डायग्राम बना लिया, क्योंकि मेरे को फोर्स के दो कॉम्पोनेंट बन ही गए, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया डायग्राम, तो मैंने बस ये कहा कि इनिशियल मोमेंटम वेक्टर के कॉम्पोनेंट है और यह फाइनल के कॉम्पोनेंट है, क्लियर है। तो अब मुझे फोर्स निकालनी है, अगर मैं बोलूं कि मुझे वाई एक्सिस में एवरेज फोर्स निकालनी है तो मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा वाई में। y एक्सिस में फाइनल मोमेंटम क्या है, mv cos थीटा, इनिशियल क्या है, mv cos थीटा, तो न्यूमिनेटर क्या आएगा, mv cos थीटा माइनस mv cos थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, जीरो। तो y कंपोनेंट फोर्स का इसमें जीरो होगा। अब अगर x कंपोनेंट की बात करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम x में निकालना पड़ेगा, क्या आएगा, x में इनिशियल मोमेंटम क्या है, mv, फाइनल क्या है, mv, तो चेंज क्या है, mv sin थीटा माइनस, बोलो क्या, माइनस mv sin थीटा, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज, ये वही है, mv से बॉल गई, mv से वापस आई, तो 2mv, तो आंसर क्या आएगा, 2mv sin थीटा बाय टाइम, राइट, सेम कॉन्सेप्ट है 2mv वाला।
अब आपको इस क्वेश्चन में मास पता है, वेलोसिटी पता है, एंगल पता है और टाइम पता है, फोर्स आ जाएगी आंसर। तो आज की बात, इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो ऐसे ही करना, और आती रहेगी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं। कोई डाउट इसमें? ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम जब भी आएगी आप ऐसे ही सॉल्व करना, आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 में डाउट। 7 प्रॉब्लम कितनों से हुई? ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? चेन वाली प्रॉब्लम थी, चेन जो है वो टेबल के ऊपर है, म्यू आपको गिवन है 0.25, तो कितना परसेंटेज चेन का आप यहाँ पर लटका सकते हो मैक्सिमम। तो चेन वाली प्रॉब्लम हमने कैसे की थी? चेन वाली प्रॉब्लम ऐसे की थी कि सपोज ये आपके पास एक टेबल है, इस ये चेन है राइट। चेन का इतना पोर्शन, चेन का जो मास है वो एम है, लेंथ एल है, मैक्सिमम पोर्शन वाई मैक्स हमें लटक रहा है, तो बचा हुआ कितना है? एल माइनस वाई मैक्स। चेन नीचे गिरने की कोशिश करेगी लेकिन फ्रिक्शन कांट करेगी बैकवर्ड्स। तो अगर इसका वेट पूछा जाए, इसका वेट क्या है, तो इसका वेट क्या होगा? सिखाया था कैसे, अगर लेंथ एल है चेन की तो मास एम है, वन है तो एम बाई एल है, और अगर वाई मैक्स है तो एम बाई एल इंटू वाई मैक्स है। तो क्या बनेगा? एम बाई एल इंटू वाई मैक्स इंटू जी, ये वेट आ गया। इस पोर्शन का नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? एम बाई एल इंटू एल माइनस वाई मैक्स इंटू जी, ये क्या आएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन, राइट? ऐसे होगा। तो अगर आप चाहते हो चेयर नीचे ना गिरे, तो आपको पता है कि एम बाई एल इंटू वाई मैक्स इंटू जी की वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होनी चाहिए। तो एम बाई एल इंटू वाई मैक्स इंटू जी इज म्यू टाइम्स, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एम बाई एल इंटू एल माइनस वाई मैक्स इंटू जी, जी एम बाई एल, जी एम बाई एल कैंसल, तो वाई ऑफ मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एल माइनस म्यू इंटू वाई मैक्स। तो ये यहां पे आ गया, तो y max की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस म्यू म्यू इंटू एल, ठीक है? तो यहां से y max डिवाइडेड बाय l म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। आपको ये पूछा जा रहा है कितना चेन का फ्रैक्शन हवा में लटक रहा है, तो कितनी लेंथ हवा में लटक रही है y max, और टोटल लेंथ कितनी है l, ये फ्रैक्शन आ गया, और म्यू की वैल्यू इसमें क्या गिवन है? ये 1 प्लस म्यू है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस म्यू लिखा हुआ है ये, ठीक? तो आपको म्यू गिवन है 0.25, सॉल्व करके फ्रैक्शन आएगी, पर उसे परसेंटेज पूछा तो एंड में 100 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो इतनी फ्रैक्शन, इतनी परसेंटेज हवा में लटक रही है, मैक्सिमम आंसर। समझ में आ रहा है कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 8th क्वेश्चन है, 8th में डाउट। सबका हो गया? सारों का फ्रिक्शन हो गया? ठीक है, नहीं हुआ बोलेगा कौन फिर? ये एक्चुअली वैसा है नहीं, इस क्वेश्चन में एक रॉड है, रॉड जो है वो ए के साथ फिक्स्ड है, तो ए अपनी जगह से नहीं हिलेगा, बी को हम फोर्स लगा रहे हैं एफ आगे, फ्रिक्शन नीचे भी गिवन है, फ्रिक्शन ऊपर भी गिवन है इसमें, यहां पे फ्रिक्शन का कोफिशियंट 0.2 है और ग्राउंड पे फ्रिक्शन का कोफिशियंट 0.3 है। उसने ये बोला फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड,
मिनिमम फोर्स का मतलब समझते हो, वेलोसिटी क्या रखनी है, कांस्टेंट, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं करनी, हिलाना ही है बस उसे, राइट, जस्ट एबल टू मूव वाला केस है। तो यानी कि जो भी आप एफ फोर्स लगाएंगे आगे की तरफ, उससे होगा क्या, ये आगे जाएगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ करेगी, पीछे, और इसके जमीन भी इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगी, पीछे। तो मिनिमम फोर्स की वैल्यू पता है क्या आएगी, एफ वन प्लस एफ टू, बस क्या ओवरकम करना है, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू टाइम्स यहां का नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां का मास पता है 100 kg, तो म्यू टाइम 100 जी, और यहां पे म्यू टाइम्स यहां का नॉर्मल रिएक्शन m1 + m2 * g। तो फ्रिक्शन की वैल्यूज दोनों में डिफरेंट होगी, एक में ये होगी एक में ये होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है, यहां से सॉल्व करके जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है आगे की तरफ, वो इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमने कर लिया, स्मूथ प्लेन, फ्रिक्शन वाला प्लेन कहा था अभी, सेम अभी शीट में किया। क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, 10 में तो भूल गया, सूडो फोर्स का लेक्चर वाला दिन फोर्स की प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन की नहीं है। हमने ये किया था कि एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ थीटा यू इज इक्वल टू 0, एल लेंथ तक नीचे आता है, तो टाइम टेकन क्या है, एल इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, तो इतने टाइम में वो नीचे आ जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर इस अरेंजमेंट को लिफ्ट में डाल दें और लिफ्ट नीचे आ रहा है विद एन एक्सलेशन ऑफ ए, नहीं ऊपर जा रही है शायद, ऊपर जा रही है विद एन एक्सलेशन ऑफ ए, तो जहां जी दिख रहा है वहां जी प्लस ए, सेम क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन चेन वाली सेम प्रॉब्लम है, फिर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 12th आप अभी करेंगे, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक की प्रॉब्लम है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करें आंसर निकालने खुद कैसे होगा।
देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले 10 और 40 केजी है, कह रहा है इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, और 0.60 इसके ऊपर म्यू है, काइनेटिक मतलब म्यू एस और म्यू के दोनों गिवन है। 10 केजी ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ क्या होगी। अब सेपरेशन होगी कि नहीं होगी, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, म्यू एस। म्यू एस इंटू 10 जी सॉल्व करके क्या आ रहा है, 58.8। तो इनको सेपरेट करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, 58.8, हमने कितनी लगाई, 100। तो सेपरेशन होगी, सेपरेशन होगी, सेपरेशन होगी, ठीक। तो सेपरेशन इसके अंदर होगी, अगर सेपरेशन होगी तो दोनों की एक्सलेशन क्या होंगी, डिफरेंट। और इसमें फ्रिक्शन कौन सा रोल प्ले करेगी, स्टैटिक की काइनेटिक, काइनेटिक। काइनेटिक तो वैसे ही आसान है निकालनी, म्यू के इंटू 10 जी, ये रहा कितनी आ गई, 4 × 9.8। तो अब आपको इस क्वेश्चन में अगर एक्सलेशन निकालनी है तो सोचो ये 100 इधर जा रहा है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है इधर और इधर काइनेटिक है। तो 40 केजी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसको यहां लेके जा रही है और एक्सेलरेशन इसकी कितनी है, ए। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 40 × a, ए आपको निकालना है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में आपने ऑलरेडी निकाल ली है, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की।